बताओ ना माँ, हमें जातियों में किसने बांटा। ये आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक सीरीज 17 दिसंबर से NTV पर आरंभ हो रहा है और उसके टीजर में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एक विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइज व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, इसलिए पूरे विश्व का, पूरे जगत का, पूरी दुनिया का उन पर अधिकार है कि वो किसी भी तरह का वीडियो या डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री 17 दिसंबर से TV पर आने वाली है। उस डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया गया है वो आपको समीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को लोग अपने तरह से दिखा रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं। आपको पैनी निगाह रखनी पड़ेगी, हर एक व्यक्ति को जो बाबा साहब का अनुयायी है उसको समीक्षा करनी पड़ेगी, हर एक एपिसोड की, हर एक टीजर की, हर एक सीन की, हर एक डायलॉग की। आप अगर देखेंगे तो उस टीजर के अंदर सबसे पहला जो सीन है उसमें पानी का सीन दिया हुआ है और एक गोल मटोल सा गोरा बच्चा उसमें दिखाया गया है जो बाबा साहब का बचपन है। बाबा साहब बचपन में काले सांवले रहे होंगे, गोरे नहीं रहे होंगे। साउथ के लोग अधिकतर काले होते हैं, जैसा कि उनका रूप रंग भी रहा होगा। उनके गले में आपने देखा होगा एक काला धागा बांधा हुआ है। ये काला धागा, एक ताबीज, एक खास रूप से एक कल्चर को दिखाता है। बाबा साहब ने कभी काला धागा नहीं बांधा होगा, बचपन में भी नहीं होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि बाबा साहब शुरू से ही कबीरपंथी परिवार में रहे हैं। मगर बाबा साहब के हाथ में, यानी बच्चे के हाथ में जो स्लेट दिखाई गई है, उस स्लेट में श्री लिखा हुआ है, जबकि श्री शब्द पाली का नहीं है, श्री शब्द होता है। श्री एक खास कल्चर को बताया जाता है जो बाबा साहब ने कभी अडॉप्ट नहीं की और ना ही बाबा साहब ने बाद में कभी उसको कहा है। वो पूछता है बच्चा, उसके कहलवाया गया है कि पानी अगर एक है तो प्यास एक क्यों नहीं है, जबकि होना चाहिए था कि पानी एक है, प्यास एक है, तो प्यासे लोग एक क्यों नहीं है, प्यासे लोगों को किसने बांटा है, किसने बांटा है का जवाब अभी वो टीजर में नहीं दे रहा है। ऐसे ही आप अगले सेंटेंस में अगर देखेंगे तो सीधे सीधे उनके हाथ में एक स्लेट दिखाई दिए जिसमें श्री से है। ये कबीर से भी स्टार्ट हो सकता था, ये भारत से भी स्टार्ट हो सकता था, उस पर संविधान भी लिखा हो सकता था, क्योंकि छोटे बच्चे के हाथ में स्लेट दिखा के आप श्री से क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद सीधे सीधे आपने मंदिर में माँ को और बाबा साहब अम्बेडकर जो बचपन है मंदिर के सामने दिखाया है, जहाँ वो कूड़े के ढेर के बराबर में खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति कूड़ा उनके आगे जान के डाल रहा है। इससे आप बता रहे हैं कि उनकी स्थिति कूड़े जैसी है, फिर भी वो मंदिर के आगे जा रहे हैं, जबकि वो कबीरपंथी थे, वो मंदिर में नहीं जाते थे, उनके घर में उनके पिताजी कबीरपंथी रहे थे। ये बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, इसलिए एक एक सीन को, एक एक डायलॉग को आपको देखना पड़ेगा, एक एक सीन और एक एक डायलॉग को आपको समीक्षा करनी पड़ेगी। जो उनका घर दिखाया गया है वो बड़ा ग्लैमर से भरा हुआ है, साड़ियाँ बिल्कुल ठीक ठाक और प्रेस वाली हैं, चेहरे पे चमक है और नूर है। इसका मतलब है कि बाबा साहब का परिवार बड़ा सुखी संपन्न रहा होगा, ऐसा बताया जाता है। ये आम परिवार की तरह नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि फिल्म है, फिल्म बेचनी है, तो इसमें तड़का ग्लैमर का लगा हुआ है। इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि बाबा साहब के हर एक सीन को आप मन में नहीं बसाइए, इस एपिसोड को मन में बसाने से पहले इसकी समीक्षा भी आपको करनी होगी। जो पहले सीन के अंदर पानी का सीन है, उसमें जो विरोध दिखाया गया है वो औरतों से दिखाया गया है, यानी कि औरत भी जात पात को मानती हैं, जबकि भारत के अंदर औरतें जात पात को नहीं मानती हैं। जो भारत के मेल हैं वो उनको जात पात को मानने के लिए बाध्य करते हैं। एक सीन के अंदर आप देखेंगे तो वो स्कूल जा रहे हैं, बहुत मुस्कुरा के जैसे एंटर करते हैं और मास्टर छड़ी से उनको रोकता है, तो मास्टर की जो छड़ी है वो अछूत को रोकती है, अनटचेबल को रोकती है, जबकि उस बच्चे को पानी पीने का अधिकार भी वहाँ नहीं है। इसका मतलब छड़ी से छू रहा है तो छड़ी भी अछूत हो गई। ये एक कंट्राडिक्शन है कि पानी का गिलास नहीं छू सकता, मास्टर की छड़ी छू सकती है। उनको नीचे बैठा हुआ दिखाया गया है, जबकि वास्तव में उनको क्लास के बाहर अपनी दरी के साथ में बैठाया जाता था, दरी उनके पास नहीं है। एक चीज़ आप देखिए कि सारे बच्चे उनके एंटर होते ही खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं, उनके हाथ में एक तरफ बस्ता है और एक तरफ उनके हाथ में खाने का बैग है, यानी कि बच्चे ये जानते हैं कि ये जो बच्चा है ये अछूत है और इस अछूत से हमें कैसा व्यवहार करना है, जबकि बच्चे ये कभी नहीं जानते कि अछूत क्या होता है और उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो सारे के सारे लोग बड़े बताते हैं, या मास्टर ने बताया होगा या उनके माँ बाप ने बताया होगा। बच्चे बराबर व्यवहार करते हैं जब तक उनको कोई बड़ा ना बता जाए, मगर उस क्लास में ऐसा दिखाया गया है जैसे सारे बच्चे अछूत के बारे में जानते हैं कि अछूत कितनी बुरी चीज़ है या डॉक्टर अम्बेडकर कितने खतरनाक बच्चे हैं, कि सारे उठ के एक तरफ उनसे जाने लगे। ये सीन आप खास तौर से देखिए, जो बच्चों के मन में जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। एक सीन उनका घर का सीन है,
जिसमें बाबा साहब के हाथ में एक स्लेट दिखाई गई है, उसमें श्री लिखा हुआ है और अगले सीन में वो संविधान होता है। वो अपनी माँ से पूछते हैं कि जातियों में किसने बांटा, इसका कोई जवाब नहीं है और वो खुद कहते हैं कि जब मैं किताब लिखूंगा तो मैं सबको बराबर का हक दूंगा। यानी कि बच्चे को पहले से ही ये पता है कि वो संविधान लिखने जा रहे हैं। ये ग्लैमर का हिस्सा है, ये स्टोरी का हिस्सा है। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बात तक भी ये नहीं पता था कि देश का संविधान वो लिखेंगे या देश का संविधान लिखने लायक वो बनेंगे। वो पढ़ रहे हैं और वो एक ऐसी किताब लिखेंगे कि सबको बराबर का हिस्सा देंगे, ये काल्पनिक बात है। इसको समझिए कि ये जो टीजर है इसमें काल्पनिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। इसलिए बहुत सारे एपिसोड आएंगे, आपको सारे एपिसोड में देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ इसमें डायरेक्टर ने, कौन सी चीज़ इसमें जो प्रोड्यूसर है उसमें काल्पनिक जोड़ी है, कौन से कलाकार इसमें मैच करते हैं, कौन से कलाकार इसके अंदर मैच नहीं करते हैं। आंख बंद करके आप एपिसोड को ना देखें। बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब को इतना बड़ा बना दिया है कि लोगों को अब नेशनल टेलीकास्ट में बाबा साहब का सीरियल बनाने की आवश्यकता पड़ गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यूवर हैं, जो दर्शक हैं, वो इसको देखेंगे भी, मगर जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे एपिसोड को देखें। अगर एपिसोड ठीक हैं, सच्चे हैं तो देखें, और आपको लगता है नहीं है तो उनकी समीक्षा करें, उनका विरोध ना करें। अगर विरोध करेंगे तो TRP बढ़ जाएगी। आप किसी भी हालत में उसकी घटनाओं को एक एक करके बताएं, इससे आपके बताने से ये पता चलेगा कि ये जो एपिसोड हैं ये झूठे हैं या ये सच्चे हैं या ये अच्छे हैं या ये खराब हैं। आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपको समीक्षक बनना पड़ेगा। जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं वो सब जानते हैं कि बाबा साहब का कैसे कैसे चीज़ें घटी हैं, कैसे कैसे घटनाएं हैं, सारे वॉल्यूम में, सारी किताबों में है। आप मैच करें, बताएं कि ये जो एपिसोड है ये सच्चा है, ये झूठा है, ये काल्पनिक है, ये मनगढ़ंत है या ये ठीक है। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आपका बाबा साहब अम्बेडकर आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे TV में जो देखेंगे वैसे ही रूप गढ़ लेंगे, वैसा ही बाबा साहब को जानेंगे। जैसा बच्चों पर दिखाया जाएगा वैसे ही बाबा साहब बन जाएंगे। किताबों वाले जो वॉल्यूम वाले बाबा साहब हैं वो दफन हो जाएंगे और एक काल्पनिक बाबा साहब निकल के बाहर आ जाएंगे। इसलिए हर एपिसोड की हर एक व्यक्ति समीक्षा करे, वीडियो बनाए, ऑडियो बनाए, लिखे और बताए कि इसमें क्या ठीक है क्या नहीं है। विरोध ना करे, सड़क पे ना आए, क्योंकि विरोध करने से, सड़क पे आने से वो एपिसोड हिट हो जाता है, TRP बढ़ जाती है और उस झूठी कहानी का प्रचार हो जाता है और जाने अनजाने वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है। पहला टीजर आया है, मैंने इसका समीक्षा की है, इसको बताया है, और भी कोई व्यक्ति अगर इसकी अच्छी समीक्षा कर सके तो वो डाले और सारे एपिसोडों की समीक्षा करके डाले और हो सके तो कोई भाई खुद अपने एपिसोड अच्छी तरह से बनाए। धन्यवाद।